अस्सलाम वालेकुम, आई एम अली रज़ा भागत, एन एनवायरमेंटल इंजीनियर। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं और करना चाहते हैं और करना ज़रूरी समझते हैं, जो हमारी सोसाइटी का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। और वो ये है कि यहाँ 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री करके उसके बाद जॉब नहीं मिलती। उसके बाद हमें ये समझ में नहीं आता कि हमें जॉब कहाँ लेनी चाहिए, हमें जॉब कहाँ मिलेगी और हम जॉब कैसे हासिल करें। और जब हम जॉब के इंटरव्यूज़ में जाते हैं तो हमारे पास वो स्किल्स ही नहीं होते कि हमें जॉब मिल सके। और दूसरी बात ये, एक आदमी है जो बिज़नेस करता है और बिज़नेस भी एंटरप्रेन्योरशिप के तरीके से, वो हम देखते हैं कि कामयाब है। और वो इस वजह से भी कामयाब है कि उसके पास बहुत सारा टाइम होता है। वो अगर इंटर करने के बाद ही एंटरप्रेन्योरशिप के तहत अपना बिज़नेस शुरू करता है या उसके कॉन्सेप्ट्स के तहत अपना बिज़नेस शुरू करता है, तो जो इंजीनियर 4 साल पढ़ते हैं या डॉक्टर 4 साल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद 2 साल जॉब नहीं मिलती, इंटर्नशिप्स करते हैं, फिर उसके बाद कोई जॉब मिलती है, वो भी अपनी फील्ड में मिले या ना मिले, फिर उसमें जब ग्रोथ हो, तो ये 10 से 12 साल का स्पेन है। इसमें अगर कोई आदमी बिज़नेस करे, और बिज़नेस लाजिम नहीं कि वो आम बिज़नेस करे, यानी लोकल जो बिज़नेस हमारे होते हैं वो भी कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे बिज़नेस भी होते हैं जो टेक्निकल होते हैं, जो आप सिंपल सा कोई टेक्निकल कोर्स करके कर सकते हैं। तो सारी दुनिया इसकी तरफ जा रही है। दुनिया की इकोनॉमी इस वजह से स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वहाँ कितने इंजीनियर्स हैं, वो इस वजह से कामयाब हैं कि वो इंजीनियर्स कर क्या रहे हैं और वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं। जहाँ जितना ज़्यादा कारोबार होगा वहाँ उतनी ज़्यादा इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी। तो हमें अब क्या करना है पाकिस्तान में, सिंध में, पाकिस्तान में, अलग अलग सूबों में, अलग अलग इलाकों में, अपने मोहल्ले में, हमें क्या करना है? हमें अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है, अपॉर्चुनिटी कि हम यहाँ कौन सी चीज़ सेल कर सकते हैं। देखें, अगर आप इसको ऐब लेंगे और आप इसे कोई कम चीज़ समझेंगे, तो आप जाके किसी, फॉर एग्जांपल मैं एक इंजीनियर हूँ और कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, वो जाके LED बल्ब की कंपनी में जाके इंजीनियर लगेगा, कहलाएगा वो वहाँ का मजदूर या नौकर। तो हम खुश होते हैं कि किसी LED कंपनी में नौकर, यानी एज अ नौकर लगे हम, यानी इंजीनियर हों वहाँ पे। इंजीनियर तो नाम का होता है, आप वहाँ के मुलाजिम होंगे। लेकिन अगर आप LED का सामान मंगवा के खुद असेंबल करके, छोटा मोटा कोर्स करके 15 दिन का खुद असेंबल करके बेचेंगे, तो आप उस कंपनी के मालिक होंगे। काम आप वही कर रहे हैं जो उस कंपनी में करेंगे, लेकिन यहाँ आप मालिक होंगे, आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर इसमें आप 10-12 साल देंगे तो आप न जाने कहाँ पहुँच चुके होंगे। तो हम दोस्त सारे मिलकर जो इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो भी बच्चे इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां करते हैं, वो डिग्रियां ज़रूर करें, पढ़ें, लेकिन उसके साथ साथ वो ऐसे बिजनेस भी करें जो टाइम कंज्यूमिंग भी ना हो, उनका ज़्यादा टाइम भी ना जाए, उनकी तालीम भी ख़राब ना हो उससे, और ज़्यादातर बिजनेस हो ही वो जो उनकी तालीम से रिलेटेड हो। अब मिसाल मैंने दे दिया था इलेक्ट्रॉनिक्स का, कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है तो LED बल्ब हैं और बहुत सारे आइटम्स हैं जिस पे वो काम कर सकता है, जिसका रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन भी, मार्केट से भी, जो आप खुद बनाएंगे तो उस पे ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपको। तो इसी तरह हम आगे बढ़ना चाहते हैं इस सोसाइटी में, और हम ये चाहते हैं कि हम खुद तो ये काम कर रहे हैं, हम दूसरों को भी ये काम सिखाएं, क्योंकि जॉब्स आपको नहीं मिलनी, आपने जॉब्स क्रिएट करनी है। तो हम ये चाहते हैं कि हम सब, जो भी हमारे दोस्त इस फील्ड में टेक्निकली इन चीज़ों को जानते हैं और कर रहे हैं खुद ये काम, तो हम चाहते हैं कि हम बच्चों को ये सिखाएं, हम स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को जो जॉब भी कर रहे हैं, वो भी परेशान होते हैं क्योंकि उनकी भी पूरी नहीं होती, तो हम चाहते हैं कि उन्हें हम ये टेक्निक्स सिखाएं और बिजनेसेस के बारे में वो इन्फॉर्मेशन दें जो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। आप कहीं से भी जाएंगे तो वो बिजनेसमैन आपको अपनी इन्फॉर्मेशन तो नहीं देगा जो बिज़नेस वो कर रहा है, तो किसी अलग तरीके से, किसी सर्वे के थ्रू और किसी बहुत सारे अलग तरीक़ों से, अप्रोचेस से हमने वो बहुत सारे बिजनेसेस कवर किए हैं, और हम आहिस्ता आहिस्ता वो शेयर करना चाहेंगे आप सबके साथ ऑनलाइन। और ये भी है कि हम अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर किसी भी इदारे को या किसी भी इंडिविजुअल को हमारी सर्विसेज चाहिए कि हम बच्चों को वहाँ पर या प्रोफेशनल्स को जाकर सिखाएं कि आप किस तरह से अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं और किस तरह से अपना काम शुरू कर सकते हैं साइड पे, यानी आपकी जॉब भी मुतासर ना हो, आपकी पढ़ाई भी मुतासर ना हो, और कुछ ही सालों में आप जॉब छोड़कर
वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएं और मालिक बन जाएं किसी भी कंपनी के। आई थिंक ये इनिशिएटिव ऐसा है कि हम एक आदमी जो पहले नौकरी ढूंढ रहा था, अब वो आदमी 10, 15, 20 लोगों को नौकरी दे रहा होगा। अब इस तरह अगर आप सोचें कि 100 बिजनेस शुरू हों और 10-10 उसमें आदमी आ जाएं, तो ये तो हज़ारों हो गए, हज़ारों लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं उन्हें नौकरी मिल सकती है वहाँ पर, और फिर वो भी सीख के आगे बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक चेन है जो चलती रहेगी। आप भी आगे चलते जाएंगे एक बिजनेस से दूसरे की तरफ, दूसरे से तीसरे की तरफ, जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपके पास पैसा बनता जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर आइडिया, ये हमारा आइडिया है, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इस पर वीडियोज़ भी बनाना शुरू करेंगे, और जिन भी दोस्तों को, प्रोफेशनल्स को, इंडिविजुअल्स को, स्टूडेंट्स को हमारी हेल्प चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, हमारी सर्विसेज चाहिए, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें तो उसी कॉन्टैक्ट के थ्रू जो आपको यहाँ पे दिया गया है या जिस आईडी से आपको ये मिल रहा है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।